चल रिश क्या कर रहा है तू यार? अरे चल पक्या चल। रिश इधर क्यों लेके आया मेरे को? तेरे को पता है ना मेरे को डर लगता है। पक्या तू ना एक नंबर का डरपोक है डरपोक। सुन मार बार मार, पता है मैं कितने बार आया हूँ? आजा मेरे को इधर नहीं जाने का है ना। ओह क्या ये देख लगता है आजा जी आया है एकदम फ्रेश है फ्रेश। देख लिया अब चल यहाँ से। अरे यार बहुत देर हो रही है बहुत। चल पक्या सुन ना मेरी बात, तू ना लड़की की तरह रोता है, तू चल यहाँ से। सुन बदनाम है कोई, बदनाम है कोई। मजाक मत कर, ऐसी जगह पे मजाक करना अच्छी बात नहीं है, तू घर चल यार। पक्या तू ना मेरा दोस्त बुलाने के लायक नहीं है। बिंदास पर बिंदास, फिर आत्माएं भी डरेंगी। यार ऐसी जगह पे मजाक नहीं करना चाहिए, समझ नहीं रहा क्या? आएगा आएगा। सुरेश तू पागल हो गया है क्या? मैं बोल रहा है तेरे को कि इधर मजाक नहीं करना चाहिए, तू फालतू गिरी क्या यार? सुरेश कहाँ गया तू? सुरेश बाहर निकला भाई, मेरे को घर जाने का। कौन है वो? सुरेश तू है ना? सुरेश मैं बोल रहा है तेरे से बात नहीं करेगा मैं। सुरेश बाहर आ जा। राजा मेरे को घर जाना है। ओए तू ना एक नंबर का पट्टू है पट्टू। क्या अब तू कहाँ पे चला गया अबे? अच्छा चल अब नहीं डरा था तुझे। कहाँ पे? क्या चल निकलते। अच्छा सुन ना, वो कुल्फी वाले के पास जाते हैं ना, आज मूड हुआ है यार मलाई कुल्फी खाने का। हाँ चल आजा। शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? बिहेव योरसेल्फ। वाह भाई वाह, इंग्लिश भी बोलना सीख गया तू। वो क्या बोल रहा था तू? बिहे फिर से तो बोल देना। हाँ यार पक्या बोला ना अच्छी एक्टिंग है, चल आजा चल निकलते। डोंट यू अंडरस्टैंड कि मरे हुए लोगों के साथ मजाक करने की सजा बहुत बुरी हो सकती है? सो बिहेव योरसेल्फ एंड गेट लॉस्ट। कोई आवाज नहीं, समझा? समझा? आओ, एक बार सोच लो। बड़ी खतरनाक गुड़िया रहती है अंदर। ये खतरनाक गुड़िया तो गई, अंदर कोई भी नहीं है, समझा? डरने का नहीं। बेचारा डर बचा। बॉस, कुत्ता वहाँ पे? कहाँ पे? उधर, अबे उधर कोई भी नहीं है। इतनी रात में कौन आएगा? आओ मारो, कोई है उधर?
पे कोई भी नहीं है, यहाँ हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। अबे जाने तू, ये जाना। एक बात अच्छे से सुन ले, मुझे एक हफ्ते के अंदर, सुन रहा है, एक हफ्ते के अंदर मुझे वो घर खाली चाहिए। पकिया, पकिया तू किधर जा रहा है? पकिया ये बड़े लोग हैं, अगर सिक्योरिटी पकड़ लेगी तो फटके पड़ेंगे यार। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम जैसे निकम्मों को ये काम सौंपा। अब चल फोन रख और काम कर। कौन हो तुम? सिक्योरिटी, इसको अंदर किसने आने दिया? बाहर निकाले इसे। मुझे बाहर निकालेगा श्रीकांत? कौन हो तुम? मुझे पहचाना नहीं तुमने? गौर से देखो। कौन हो तुम? सिल्विया। कुछ याद आया? रोजरेन मनोर की ओनर सिल्विया, जिसका घर हथियाने के लिए तू कुछ भी कर सकता है। सिल्विया, ये नहीं हो सकता। कैसे वापस आ सकती है? मैं वापस आ गई हूँ श्रीकांत, और अब तू जाएगा। पागल हो गया क्या? अरे छोड़ना उसको, चलना पक्या। रोजरेन मैनर को तोड़कर तू अपनी बिल्डिंग बनाना चाहता है ना? वो घर मेरा है और मेरा ही रहेगा हमेशा। कहाँ से आ गई? पकिया, पकिया क्या हो गया तेरे को? तू क्या अंदर बोल रहा था? हाँ पकिया, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू सुन रहा है मुझे? पकिया, ये क्या हो रहा है ये सब? पकिया ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्या है इस जगह में कि तुम इतनी रात गए कब्रिस्तान में? क्या कर रहे? जी जी वो मैं वो... अच्छा, दिस इज सिल्विया के कब्र पे फूल चढ़ाने आए हो? हाँ। ये है उनका कब्र। पक्या इधर खड़ा था। चलो चलो जल्दी प्रेयर करो, इतनी रात गए, यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है। जी। बेचारी मिसेस सिल्विया बहुत अच्छी लेडी थी, सबको बहुत प्यार करती थी, हमें तो यकीन ही नहीं होता अचानक उनकी डेथ हो गई। बेचारी। लेकिन तुम मिसेस सिल्विया को कैसे जानते थे? जी वो उधर। अच्छा तुम उनके घर पे काम करते हो? वो बड़ा सा मकान, क्या नाम है, रोजलीन मनोर,
तुम वहीं काम करता था ना? हाँ। बेचारी मिसेस सिल्विया, उनकी इकलौती बेटी रीटा अकेली रह गई। ये बता कब आएगी, इतनी देर हो गई। देख मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, जल्दी से फोन लगा पता कर कि कहाँ है। और हाँ, जिसे चूज किया था वही आनी चाहिए। आ गई। आ रहा हूं, आ रहा हूं। अरे तू तो मुझसे ज्यादा बेसब्री हो रही है। होल्ड ऑन बेबी। कौन है बे तू? हैं? ये घंटी क्यों बजा रहा था? जानता है किसका घर है? चल भाग यहां से ब्लडी रास्कल। कौन है तू? क्या हुआ दीपक, पहचाना नहीं मुझे? अपने क्लाइंट को इतनी जल्दी भूल गया? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कौन हो तुम? मेरे घर का ख्याल रख रहे हो ना तुम? प्रॉमिस किया था ना तुमने मुझसे? सिलिया, आप तो मर चुकी थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? देखो, तुम जो चाहोगी करूंगा, प्लीज माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं मैं? हाँ, मैं सिल्विया, वही सिल्विया जिसने तुझ पे ट्रस्ट किया और तूने मुझे धोखा दिया। तूने श्रीकांत के साथ मिलकर मेरे घर को छीनने की कोशिश की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो। माफ कर दो मुझे। मेरा लॉयर बनके तूने मुझे ये केस हराने का प्लान बनाया? बखिया, ये तूने क्या किया? साहब को मार दिया?
कोई भी है सामने आ जाओ वरना। कौन है? रीटा। कौन हो तुम? अंदर कैसे हैं? श्रीकांत के आदमी हो ना, उसी ने भेजा है ना तुम्हें? श्रीकांत, फिर कुछ कहा उसने तुमसे? फोन किया? हाँ, बहुत परेशान कर रहा है ना वो तुम्हें, बताओ ना रीटा, टेल मी। कौन हो तुम? रीटा, इट्स मी, मम्मा। मम्मा? अरे डरो मत। बेटा, बेटा उठो। पकिया, पकिया, सब ठीक तो है ना? हाँ, अरे अरे, जूते किसके, किसके जूते हैं ये? मेरे हैं, और मेरा नाम पकिया नहीं, सिल्विया है। बाय द वे, तू कौन है? गो अवे। ये क्या हो रहा है ये सब? ऐसा क्या हुआ था कब्रिस्तान में जो पकिया की सटक गई है? जूते? हम जब कब्रिस्तान गए थे तब पकिया ने चप्पल पहनी थी। तो इसका मतलब है वो जूते। अच्छा, मिसेस सिल्विया की कब्र पे फूल चढ़ाने आए हो? ये है उनका कब्र। जो सारा गड़बड़ हुआ है वो जूतों के वजह से हुआ है। रोजलिन मलोर की ओनर सिल्विया। सिल्विया, इसका मतलब है वो जूते पकिया से अलग करने पड़ेंगे। सिल्विया मैडम, सिल्विया मैडम, मेरा नाम सुरेश है, मैं इधर ही फुटपाथ पे सोता हूँ, जूते पॉलिश करता हूँ। मैडम, आज सुबह से एक ग्राहक नहीं मिला। मैंने आपके जूते देखे, वो बहुत मैले, मैं साफ कर देता हूँ ना मैडम। एक बार बोला ना, गो अवे। मैडम, सुबह से बोनी नहीं हुई। मैडम, आपने अगर साफ नहीं करवाया तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। मैडम, दो दो मिनट, मैं साफ करके देता हूँ। यहाँ पे बैठो ना मैडम। आ जा। क्या? 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 चल, 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 उठ। क्या? तू ठीक है ना? मैं यहाँ कैसे आया? मैं क्या कर रहा था यहाँ? तू मुझे पहचान सकता है? देख देख, मुझे देख। सुरेश, तू पागल हो गया है क्या? मुझे ये बता,
मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर बड़ा थका थका महसूस कर रहा है। मैं क्या कर रहा था यहाँ, क्या हो रहा था? मैं तुझे सब बताता हूँ, ठीक है? टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, आ जा चल, मैं तुझे लेकर जाता हूँ। सर आ जा, चल चल चल, संभाल, आ जा चल। पक्का तेरे को पता है अगर मैं वो जूते नहीं फेंकता तो तेरे साथ क्या होता? मैं डर गया था यार, तू बुड्ढी के जैसे बोलने लग गया था। हाँ, ओ जूते की वजह से सब गड़बड़ हुई। वो तो अच्छा हुआ कि जूते से छुटकारा मिल गया अपने को। हाँ पक्का, तू ना टेंशन मत ले, तू अभी के लिए खाना खा। हाँ पक्का, तुझे पता है गधा मैं ही हूँ, मुझे तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी कब्रिस्तान में। मुझे माफ कर दे पक्का। नहीं रे सुरेश, गलती मेरी थी, मेरे क्या जरूरत थी वो जूता पहनने की। दलजीत, मुझे यकीन हो गया है सिल्विया वापिस आ गई, उस लड़के के जरिए उसकी आत्मा वापिस आ गई है। श्रीकांत से क्या आप भी बच्चों की तरह आत्मा वात्मा? मैंने सब पता लगा लिया है, दीपक के कई और दुश्मन भी थे जिनमें से कई उसे मारना चाहते थे। तुमने उसकी लाश देखी? देखा तुमने किस तरह से मारा है उसे? नहीं नहीं दलजीत, मुझे यकीन हो गया है, अरे वो लड़का उसकी तरह नहीं दिखता पर उसकी तरह बोलता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं दलजीत, क्या करूं मैं? सेठ सेठ, मेरे को लगता है कि आप खाली टेंशन में इधर की चीज उधर जोड़ रहे हो। अभी सारा झमेला मेरे ऊपर छोड़ दो, आप अपना ध्यान रखो, ठीक है? अपना ध्यान रखूं? अपना ध्यान रखूं कैसे? सुनो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए ऑफिस में, कोई मतलब कोई नहीं अंदर घुसना चाहिए, अंडरस्टैंड? कोई नहीं चाहिए ऑफिस में, कोई नहीं चाहिए। श्रीकांत, ये कागजात मेरे हैं ना? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? कोई तो नहीं, मुझे लगता है मैं टेंशन में हूं इसलिए ये सब हो रहा है। कोई भी तो नहीं? उफ। ये जूते किसने रखे यहां? सब के सब सिक्योरिटी, ये जूते, जूते, जूते कहाँ? यही तो थे जूते, कहाँ गए जूते? ये लोग सब के सब, कोई है? कोई है? कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो श्रीकांत? अब कोई जगह तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। सिल्विया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया सिल्विया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा सिल्विया, मुझे माफ कर दो,
दूसरे मौके के लिए तू जिंदा ही नहीं रहेगा श्रीकांत। क्या चल तैयार हो जा, जाने का नहीं है, काम नहीं करने का है आज। नहीं रे सुरेश, मैं दो चार दिन यहीं रुकेगा। अरे घर पे बैठेगा तो तेरा दिमाग खराब होगा। तू मेरी बात सुन, तू चल। नहीं रे सुरेश, तू जा। सुरेश ये जूते की आवाज कहां से आ रही है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कुछ करता हूं, ठीक है? सुरेश ध्यान से हाथ मत लगाना। छोड़ पक्या, वो रद्दी वाले के पास जाते हैं, उसने बुलाया था ना। हाँ भूल जा। हाँ चल। तो क्या बेचारी मिसेस सिल्विया, उनकी इकलौती बेटी रीटा अकेली रह गई। कल रात शहर के जाने माने बिल्डर श्रीकांत बिल्डर्स के मालिक मिस्टर श्रीकांत का उन्हीं की ऑफिस में बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो गया। अब तक इस केस में ना ही कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह। मिस्टर श्रीकांत की पर्सनल सिक्योरिटी भी बहुत खौफ में है और जवाब नहीं दे पा रहे। That's me, मामा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कौन है? कौन बोला? रीटा, it's me. यो मामा, सिल्विया। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये घर रोजरिन मनोर हमारा है और ये हमारा ही रहेगा। मेरे बाद इस पर सिर्फ तुम्हारा हक बनता है।
और तुमसे वो हक कोई नहीं छीन सकता। डोंट बी स्कैर्ड बेटा, इधर आओ मेरे पास। जब तुम 14 साल की थी तुम्हें मलेरिया हुआ था, तुम्हें ठीक से नींद नहीं आ रही थी, तो रात भर जाग के मैंने तुम्हें लोरी सुनाई थी, याद है ना? नन्ही परी सोनी चली हवा धीरे आना, याद है ना रीटा? तुम्हारी पापा की डेथ के बाद तुम्हें अंधेरे से डर लगने लगा था और इसीलिए तुम लाइट ऑन करके सोती थी। वो आदत तुम्हारी अब तक नहीं बदली ना? हाँ बेटा। मैडम, मेरा नाम सुरेश है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैडम, सिल्विया आंटी का भूत मेरे दोस्त पक्या के बॉडी में घुस गया है और वो आत्मा सब उल्टा पुल्टा कर रही है। पुल्टा पुल्टा मतलब? उसने सबसे पहले वकील का खून करवा दिया और फिर वो बिल्डर है ना श्रीकांत, उसके ऑफिस में घुसकर धमकी देकर आ गया। मैडम मैं ये तो नहीं जानता कि इन लोगों के साथ आपका क्या मैटर है, लेकिन मैडम प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो। मैडम, श्रीकांत मर चुका है। तुम्हारा दोस्त आया था मेरे पास, उसके थ्रू मैंने अपनी मामा से बात की। श्रीकांत पिछले 2 सालों से हमारे इस घर को किसी ना किसी तरीके से अपने नाम पर करवाना चाहता था, इसीलिए शहर के फेमस लॉयर दीपक को हायर किया गया ताकि वो एक केस लड़े, और वो फ्रॉड निकला। वो लड़ तो हमारे तरफ से रहा था पर आदमी श्रीकांत का निकला, उसने डबल क्रॉस किया हमें। श्रीकांत ने नकली पेपर्स बनवाए और मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दी। ये सब चीजों का बदला लेने के लिए मम्मा वापस आई। पर मैडम, आपके इस आपस के लड़ाई में मेरे दोस्त का क्या लेना देना? हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। नहीं नहीं मैडम, पुलिस नहीं, मर्डर के जुर्म में वो मेरे दोस्त को ही अंदर डाल देंगे। यू राइट, पर फिर मम्मा कहाँ गई होंगी? दीपक का खून हो गया, श्रीकांत भी नहीं बचा, तो फिर कोई फटाफट कर, साहब की गाड़ी है, जल्दी देनी है, जा दूसरा पाना लेके आ। दलजीत, सच सच बताना, क्या तुमने मेरी मॉम की कार जानबूझकर खराब की थी? क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे? मैं ऐसा क्यों करूंगा रीटा जी, गाड़ी मैंने एकदम फर्स्ट क्लास बना के दी थी, आप चाहो तो पुलिस से पूछ लो, उन्होंने मेरे से पूछताछ की थी। देख दलजीत, अभी भी तेरे पास वक्त है, जो कुछ भी बोलना है बोल दे, वरना वो वकील के जैसे तेरा भी मर्डर हो जाए। तुम हमसे तो सच छुपा सकते पर उनसे नहीं। देखो, मॉम की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए आ चुकी। क्या आत्मा, खून, मर्डर, इतनी देर से तमीज से बात कर रहा हूं, चढ़े जा रहे हो मुझ पर? अरे कह दिया कुछ नहीं किया तो नहीं किया, और ये जो तुम शान पत्ती दिखा रहे हो ना बात निकलवाने की, ये अपनी जेब में डाल के रखो। दलजीत, तुमने मेरी मॉम के कार के साथ क्या किया था? बहुत सारा काम है मैडम, मैं यहाँ आपकी धमकी सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। अरे राजू लाना पाना। लगता है हमें पुलिस की हेल्प लेनी होगी। पाना ला। इतना काम पड़ा है, साला दिमाग खराब करके रख दिया। अरे राजू, ये कवर वाली गाड़ी किसकी है?
I will always take care of you. मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत परेशानी हुई,
पर मामा ने घर बचा लिया। I'm really sorry for everything. हो सके तो मुझे माफ कर दे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.